भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व तो बताया गया है, तथा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो प्रत्येक मनुष्य को दोनों पक्ष की यानी महीने की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई और व्रत आप करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम कामदा एकादशी है, और कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की जो जो भी कामनाएं होगी, जो जो भी इच्छाएं होगी, जो जो भी मुरादें होंगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत इस बार 13 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन किया जाएगा। हालांकि कई पंचांगों में 12 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन भी कामदा एकादशी बताई गई है, लेकिन वैष्णव मत के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम 13 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन ही रहेगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है, और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसे हरिवासर कहा जाता है, और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम माना गया है। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को सुबह 5:02 पर हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल को सुबह 4:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो 13 अप्रैल को ही होगी, इसीलिए इसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 13 अप्रैल 2022 बुधवार को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको एकादशी व्रत का पारणा 14 अप्रैल 2022 गुरुवार को सुबह 6:36 से लेकर के 9:36 तक कर लेना चाहिए। तो हम आपको एक बार पुनः बता दें कि वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार यदि आप सर्वोत्तम और शुद्ध एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 13 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हालांकि कई भक्तजन, माताएं बहने 12 अप्रैल 2022 मंगलवार को भी एकादशी का व्रत रखेंगे। उस एकादशी का व्रत रखने में भी कोई दोष नहीं है। अलग अलग मतों के अनुसार, मत भिन्नता के अनुसार अलग अलग दिन एकादशी रहती है, लेकिन हमारे मत के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको 13 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, बदिरा का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो मसूर की दाल का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, तथा दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए।
और इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 12 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन करना है तथा एकादशी तिथि यानी 13 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन पीले वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए तथा मस्तक पर तिलक धारण करें और भगवान का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें। भगवान को विशेष श्रृंगार इस दिन धराना चाहिए तथा प्रभु को विशेष रूप से भोग भी इस दिन लगाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन आप करें। यदि आपके घर में नित्य सामान्य पूजन होता है तो इस दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में प्रभु की स्थापना करें तथा कलश की स्थापना करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का, बालकृष्ण का या बाल गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी का या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का आप विधि विधान से पूजन करें। आप चाहें तो प्रभु शालिग्राम जी का भी इस दिन पूजन अर्चन कर सकते हैं। और भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ के मध्य भाग में आपको जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है तथा हाथ के मध्य भाग में चावल के स्थान पर जौ अथवा तिल आप रख करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें और हाथ के मध्य भाग में जल रखें, तुलसी जी का पत्ता रखें और जौ अथवा तिल आप रख लीजिए क्योंकि चावल इस दिन उपयोग नहीं किए जाते हैं। तुलसी जी का पत्ता रख करके, जल रख कर भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। कुछ पैसे रखें, पीला पुष्प रखें, यदि संभव हो तो एक सुपारी भी आप रख सकते हैं। पूजा की जो सुपारी आती है वो भी रख सकते हैं। 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम् जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशालाक्षे मध्यप्रदेशैः भोपाल नामनी नगरैः भोपाल नगरैः सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुभैः शुक्लपक्षैः अध्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः बुधवासरान्वितायां मघादिवस नक्षत्रैः सिंह राशिस्ते श्रीचंद्रैः मीन राशिस्ते श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थाने स्थितस्व एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनश्चित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनश्चित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसैः कामदा एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और हम कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ में कर सके, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करें। एकादशी का जो व्रत करता है उसे अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार सभी प्रकार के फल माने जाते हैं तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही सर्वोत्तम फलाहार मानी गई है। इसके अलावा भी अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन समा के जो चावल होते हैं या मौर्धन होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए
क्योंकि ये धान्य के रूप में माने जाते हैं और इस दिन चावल और धान्य का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार बना करके पहले प्रभु को तुलसी पत्र रखा करके भोग धराना चाहिए, यानी भगवान को नैवेद्य लगाने के बाद ही आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि यदि आप भोग प्रभु को नहीं लगाएंगे और स्वयं प्रसाद रूप में ले लेंगे तो वह असमर्पित वस्तु हो जाएगी। इसलिए प्रभु को बिना समर्पण करे कभी भी कोई वस्तु स्वयं खाना पीना नहीं चाहिए। पहले प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में उसे स्वीकार करें। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। माताओं बहनों को इस दिन आईब्रो भी नहीं बनवाना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता सास ससुर वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर भी एकादशी को नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको अपने घर आए हुए किसी भी याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। उसको कुछ न कुछ आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप उसको प्रदान कर सकते हैं, तथा एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक पौधों के अंदर ईश्वर का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक पौधों के अंदर भगवान का निवास मान करके उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। एकादशी के दिन यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी व्रत करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो कर सकते हैं, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान का पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते का उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान की आज्ञा लेकर के, तुलसी जी की आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। साथ ही एकादशी के दिन आप रात्रि के समय जागरण भी करें, एक प्रहर, दो पहर या तीन पहर, चार पहर, तीन तीन घंटे के एक एक पहर होते हैं, जितना जागरण आप कर सकते हैं उतना जागरण करें, तथा एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन भी करें, इसका कोई दोष नहीं होता है। वरन तुलसी जी का पूजन और जल चढ़ाने का कार्य तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, इसका कोई दोष नहीं होता है। और एकादशी के दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए, गौ माता को इस दिन रोटी भी खिला सकते हैं, गौ माता को आप भोजन भी करवा सकते हैं, गौ माता की सेवा इस दिन अवश्य करना चाहिए, गौ माता को इस दिन घास अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, इसलिए एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से सुने, और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान भी बताया गया है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दान करें और ब्राह्मण को वस्त्र दान, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको अगले दिन सुबह यानी द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, भगवान का पूजन करना है, तथा भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के आप संकल्प करें।
संकल्प मानसिक भी हो सकता है, मन ही मन आप जो बोलते हैं उसको भी संकल्प कहा जाता है। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना या प्रतिज्ञा लेना। तो संकल्प धारण करें कि मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया है और हे प्रभु मैं आज इस व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पण कर देवे। उसके बाद ब्राह्मण को अन्नदान दक्षिणादान देकर के स्वयं व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा भोजन से भी कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से भी आप कर सकते हैं, फल से भी कर सकते हैं। अगले दिन यदि आपको कोई और व्रत करना है तो आप फलाहारी वस्तु से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाने से देवान्न का आप सम्मान करेंगे। निरंतर दो दिनों तक यानी दशमी और एकादशी के दिन चावल का परित्याग कर दिया जाता है और द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से चावल का उपयोग करना चाहिए। और द्वादशी के दिन आप लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल न करें। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको कामदा एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। तो यदि आप कामदा एकादशी के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्रदान अन्नदान गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप कामदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से एकादशी का दान पुण्य करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।